हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KVCRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का 9 चैप्टर वाइटल विलेज एंड थ्राइविंग टाउन्स यानी खुशहाल गांव और समृद्ध शहर में क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन यानी शिल्प और शिल्पकार के बारे में जानेंगे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो पुरातत्ववेत्ता लोग होते हैं, वो क्राफ्ट जो शिल्प होता है के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो पुरातत्व जो पुरास्थल थे वो साक्ष्य के रूप में उनको मिले हैं, जिसमें एक है मिट्टी के एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी मानी बहुत ही पतला बर्तन मिला है मिट्टी का, जिसे नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW या उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको नॉर्थन ब्लैक पॉलिश पायर, क्योंकि इस प्रकार के जो बर्तन मिले हैं ज़्यादातर नॉर्थन सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं, जो उत्तरी उपमहाद्वीप हुआ उसी में मिले हैं, इसी कारण इसको नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर कहा जाता है। और NBPW जो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर है वो एक हार्ड है और व्हील मेड है यानी चाक द्वारा लगता है निर्मित है। फिर है मेटलिक लुकिंग यानी धातु की तरह दिखता है वो, और शाइन ब्लैक सरफेस इसका चमकदार है, जो काली सतह है वाला पात्र है। इसे जो पोटर लोग होते हैं, जो कुम्हार ने मिट्टी के जो बर्तनों के जो भट्ठा होता है किलन जिसको कहते हैं, जहाँ पर पकाया जाता है ईंट पकाया जाता है या कोई और भी बर्तन को पकाया जाता है, में वेरी हाई टेम्परेचर पर रखते हैं इसको, जिससे इसके अदर फेस में जो बाहरी वाला और फेस होता है वो ब्लैक हो जाता है, और इस पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती है। उसके बाद ये फाइन ब्लैक शेप इस पर काली लेप लगा दी जाती है, जिससे इसमें क्या होता है मिरर लाइक शाइनिंग आ जाता है, इसमें लगता है कि शीशा की तरह चमक हो जाता है इसमें, ठीक है। और क्या साक्ष्य मिले हैं उस समय, डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्स्ट हुए जो ग्रंथ हुए उससे पता चला है कि उस समय कपड़ों का जो प्रोडक्शन था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ जो कपड़ों का जो उत्पादन किया जाता था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस समय। इसके लिए नॉर्थ में वाराणसी मेन सेंटर था और साउथ में था मदुरै, एक फेमस सेंटर के रूप में ये सब थे। किसके लिए? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैन और वोमेन मानी पुरुष और महिला दोनों कार्य करते थे, दोनों काम करते थे। और फिर अनेक क्राफ्ट पर्सन जो बहुत सारे जो शिल्पकार हुए और जो मर्चेंट जो व्यापारी, वो क्या किए अपना अपना एक एसोसिएशन बनाने लगे, संघ बनाने लगे, जिसे को इसमें कहा गया है श्रेणी कहा जाता है। जो संघ बनाए अपना अपना, जो क्राफ्ट पर्सन अलग संघ बनाए, मर्चेंट लोग अलग संघ बनाए, उसी को श्रेणी कहा गया है। तो क्राफ्ट पर्सन के श्रेणी का काम क्या था उसको, कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना हम लोग को, यानी कि प्रशिक्षण देना, और रॉ मटेरियल एंड एक और है रॉ मटेरियल के रूप में जो कच्चा माल हुआ उसको उपलब्ध कराना, और जो फिनिश जो प्रोडक्ट हुआ उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब का काम था किसको, क्राफ्ट पर्सन वाले श्रेणी लोगों का, ठीक है। और एक और था, एक तो हुआ क्राफ्ट पर्सन, दूसरा मर्चेंट के श्रेणी का, मर्चेंट श्रेणी का क्या काम था, ट्रेड को संचालित करना यानी व्यापार को संचालित करना, उनको देखना था व्यापार को चलाना। ये श्रेणियां बैंक की तरह काम करते थे, जिसमें जो रिच मैन या वुमेन हुए, जो अमीर आदमी हुए, वे अपने मनी को
डिपॉजिट करते थे, जमा करते थे, और जमा पैसे से जो इंटरेस्ट मिलता था उसे जो जमा करने वाले जो लोग थे उनको रिटर्न कर दिया जाता था, या फिर मठ जो हुआ या फिर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक संस्थान है, उसको दे दिया जाता था। ठीक है, इस तरह से हम जाने क्राफ्ट क्राफ्ट पर्सन के बारे में। फिर आगे हम जानेंगे आर्किमेडू के बारे में। इसके बारे में आर्किमेडू, तो आर्किमेडू कहाँ है, ये पांडुचेरी स्टेट में है। यहाँ लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक पोर्ट हुआ करता था यहाँ आर्किमेडू में, यानी पतन, जहाँ से वहाँ पर दूर दूर से, बहुत दूर दूर से जो जहाज़ आता था, पानी का जहाज़, वहाँ से गुड्स को, जो सामान जो आता था जहाज के थ्रू, वहाँ पर उतारा जाता था गुड्स को। और यहाँ पर एक क्या मिला है पुरातत्वविद लोगों का, आर्कियोलॉजिस्ट को, ब्लैक ब्रिक स्ट्रक्चर एक मिला है, मैंने ईंट से बना हुआ एक सांचा मिला है उसको, ढांचा, जो कि क्या है, ये गोदाम की तरह है, वो लगता है गोदाम बनाया गया था, जैसे वहाँ से गुड्स जो उतरता था उसको रखने के लिए। और यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन यानी भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र के, जो एम्फोरा जैसा कोई पॉट मिला है, पात्र मिला है उसको, जो भूमध्य सागरीय एरिया में जो एम्फोरा जो पात्र होता है वो मिला है इसमें, जिसमें क्या है वो कि दोनों तरफ उसको पकड़ने के लिए हैंडल लगा गया है, और इसमें एरेटाइन की तरह इसमें क्या है कि मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं इसमें, रेड ग्लेज्ड पॉट। इसे इटली के एक सिटी के नाम से ही एरोटाइन नाम पड़ा है, इटली में ऐसा पाया जाता था बर्तन बनाया जाता था, इसलिए इसको इटली के एक शहर है एरेटाइन, इसलिए इस पात्र को एरेटाइन नाम दिया गया है। इसे बनाने के लिए क्या होता था कि जो स्टाम्प होते हैं, जो मुहर लगे हुए सांचे पर क्ले जो मिट्टी को प्रेसिंग करके बनाया जाता है, मैंने दबाव डालकर क्ले जो मिट्टी होता है उस पर चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। ठीक है, एरेटाइन कोई बर्तन है उसी को बनाया जाता है। और कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिसका डिजाइन रोम से लगते हैं, रोम देश था पहले, वहाँ से लगता था कि रोम का बर्तन है, इस तरह से ऐसा डिजाइन मिला है उन लोगों का, पुरातत्वविदों लोगों का, आर्कियोलॉजिस्टों का। वहाँ पर रोमन लैंप मिला है, फिर ग्लासवेयर जो शीशे के जो बर्तन होते हैं वो मिला है, फिर गेम से जो रत्न मिले हैं, और आर्किमेडी में स्मॉल टैंक भी जो एक मिले हैं, छोटा सा कुंड टाइप का होता है नहाने के लिए, जो एक क्या था कि एक ये नहाने के लिए नहीं, जो छोटे छोटे जो टैंक मिले हैं वो कपड़े के डाई करने के लगता है कि कोई बर्तन है या पात्र है रंगने का। और यहाँ पर सेमी प्रिशियस स्टोन एंड ग्लास, जो अर्ध बहुमूल्य पत्थर और शीशे के मनके मिले हैं, बेड्स बनाने के एविडेंस भी मिले हैं, मनके जो बनाए जाते थे। ठीक है, अब हम लोग जान जाएंगे एक और सिटी है एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट सिटी के बारे में। तो एक्वाडक्ट सिटी यूरोप के सबसे पुराने सिटी में से एक था, और इसका डेवलप अराउंड तभी हुआ था जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे, तभी ये एक डॉक्ट सिटी का डेवलपमेंट हुआ था। फिर रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य की राजधानी थी उस समय, रोम में ही है एक्वाडक्ट सिटी, बहुत बड़ा वो लार्जेस्ट इम्पीरियर्स था, बहुत बड़ा साम्राज्य था जो यूरोप से, नॉर्थ अफ्रीका से और वेस्ट एशिया तक
वो फैला हुआ था। यहाँ के सबसे बड़े, सबसे इम्पोर्टेंट जो एम्पेरियर हुए, जो शासक हुए, वो कौन थे? अगस्टन, अगस्टस, अगस्टस थे, जो लगभग 2000 साल पहले तक शासन किया था। उसने कहा था कि रोम सिटी ब्रिक्स का था, पहले मैंने ईंटा के बने हुए थे, जिसे मैंने मार्बल्स यानी संगमरमर को बनाया। और क्या वहाँ पर किए अगस्टस, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर और महल भी बनवाए थे वो। और अगस्टस ने ह्यूज एक एम्फी थिएटर, यानी कि जो रंगमंच होता है, रंगमंडल जहाँ पर नृत्य होता है, वैसा थिएटर भी बनवाया था ये अगस्टस ने। वैसा थिएटर था, उस समय की बात है, जो इसके चारों ओर अराउंड दर्शक बैठने के लिए सीढ़ी नुमा ऐसा बनाया गया था, जगह बनाया गया था, ताकि नीचे से लेकर ऊपर तक सीढ़ी की तरह बैठे और दिखाई दे सभी को। और यहाँ लोग यहाँ पर क्या करते थे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम होता था उसको देखते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या एक बनाया गया था, पब्लिक बाथ बनाया गया था, स्नानागार था जो पब्लिक के लिए नहाने के लिए। तो जो वहाँ पर मैन और वुमेन, आदमी और औरत के लिए सेपरेट टाइम में निर्धारित था, इस टाइम में जेंट्स नहाएंगे और उस टाइम में लेडीज नहाएंगे, टाइम निर्धारित किया गया होगा। और एक चीज़ था इसमें, जो एक्वाडक्ट थे, बहुत बड़े ह्यूज एक्वाडक्ट, बड़ा सेतु या पुल जो कहिए बनाया था, वो सिटी में जल को बाथ के लिए या फाउंटेन्स के लिए या फिर टॉयलेट के लिए लाए जाते थे, उसी सेतु से पानी को, ठीक है। ओके।